मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अगले महीने संक्रांत करने जा रही है। मिशन 2023 का संक्रांत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल मंदिर से करेंगे। मिशन की तैयारियों को गति देने के लिए राहुल गांधी सितंबर में 15 दिन तक प्रदेश में पद यात्रा निकाल कर गाँव मोहल्लों के लोगों के बीच पहुँचेंगे। असल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले महाभारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं। 7 सितम्बर को कश्मीर में शुरू होने वाली यह यात्रा कन्याकुमारी में खत्म होगी। यह यात्रा 16वें दिन मध्य प्रदेश पहुंचेगी। राहुल की इस यात्रा से प्रदेश कांग्रेस अपने मिशन 2023 से जोड़ने जा रही है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसके लिए संगठन में जिलों तक होने वाले बदलावों के साथ ही मैदानी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश कांग्रेस अपने मिशन से जोड़ने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा के लिए 2 प्रभारी भी बना दिए हैं। साथ ही इस यात्रा का मध्य प्रदेश में रूट चार्ट फाइनल किया जाने लगा है। सूत्रों के माने तो राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस अपने मिशन का संक्रांत कर देगी। इसके लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर को चुना गया है। अपनी यात्रा के दौरान एमपी के मालवा निमाड़ आंचल में पद यात्रा करते हुए राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ महाकाल के दर्शन और पूजा पाठ कर मिशन की शुरुआत कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हो रही यह यात्रा महाराष्ट्र के जलगांव से जामोद के रास्ते एमपी में एंट्री लेगी। यात्रा शुरू होने के करीब 16 दिन बाद यह पहला पड़ाव होगा। एमपी में यात्रा का एंट्री पॉइंट बुरहानपुर जिले का बोदारली माना जा रहा है। 382 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। इस दौरान वे मालवा निमाड़ के जिलों के ग्रामीणों से रूबरू होंगे। प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जीतू पटवारी को यात्रा का प्रभारी बनाया है। एमपी में मिशन 2023 की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी का फोकस आदिवासी वर्ग के मतदाताओं पर होगा। अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन और धार जिले में राहुल गांधी की यह यात्रा पहुंच सकती है। धार होते हुए यह यात्रा राजस्थान निकल जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा आदिवासी सीटें मिली थी। प्रदेश की आदिवासी बहुल 47 सीटों में भी बीजेपी को मात्र 15 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, जबकि 2013 के चुनाव में इसका उलट स्थिति थी। इसे देखते हुए बीजेपी भी आदिवासी सीटों पर जोर दे रही है, तो कांग्रेस भी आदिवासी वोटर्स को फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमपी स्वराज।